जमुई जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत गिद्धेश्वर के जंगली एवं पहाड़ी क्षेत्रों में हार्डकोर नक्सल पिंटू राणा, करुणाधी, मतलुतुरी आदि अपने 10-10 सदस्यों के साथ भ्रमणशील हैं। पुलिस अधीक्षक जमुई व कमांडेंट 16 बटालियन SSB के आपसी समन्वय से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर नक्सलियों के विरुद्ध दिनांक 8 जून 2022 को एक नक्सल रोधी अभियान का संचालन किया गया। नक्सल रोधी अभियान में सम्मिलित पार्टियाँ पुलिस अधीक्षक जमुई, कमांडेंट 16 बटालियन SSB, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान जमुई, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई, उप कमांडेंट अभियान 16 बटालियन SSB जमुई, A16 बटालियन SSB परासी जमुई, थाना गढ़ी एवं थाना खैरा जमुई, नक्सल सेल एवं तकनीकी सेल जमुई। दिनांक 8 जून 2022 को शाम 7:30 बजे गढ़ी थाना अंतर्गत गिद्धेश्वर पहाड़ अराडी बड़ियाडीह क्षेत्र में ऑप्स का संचालन किया गया। गिद्धेश्वर जंगल के आसपास अराडी बड़ियाडीह क्षेत्र में जब ऑप्स का संचालन किया जा रहा था उसी दरमियान कुछ अति संवेदनशील मूवमेंट दिखाई दिया। पुलिस पार्टी एवं सुरक्षा बल स्थिति को भांपते हुए सावधानी एवं सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ज्यों ही आगे बढ़ने लगे तभी नक्सलियों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग सुरक्षा बलों एवं पुलिस पार्टी पर किया जाने लगा। फायरिंग से अपने आप को सुरक्षित करते हुए सुरक्षा बलों एवं पुलिस पार्टी द्वारा नक्सलियों से बार बार आत्मसमर्पण किए जाने की अपील की गई, परंतु नक्सलियों के द्वारा ऑप्स पार्टी पर फिर भी हेवी फायर जारी रखा गया। पुलिस पार्टियां एवं सुरक्षा बल को आत्मरक्षा हेतु फायरिंग करना पड़ा। नक्सलियों को जब लगा कि हम चारों तरफ से घिर गए हैं तो वे हेवी फायर करते हुए वहां से भागने लगे। लगभग कई घंटे तक रुक कर फायरिंग होती रही। जब फायरिंग रुक गई तथा स्थिति सामान्य हुई तो उस क्षेत्र को अच्छी तरह से सर्च किया गया तो वहाँ एक नक्सल के हाथ में इंसास पकड़े हुए मृत अवस्था में पाया गया। उक्त मृत व्यक्ति की पहचान JB जोन के सब जोनल कमांडर मतलुतुरी के रूप में की गई, जिस पर जमुई, बांका, मुंगेर, नवादा, लखीसराय जिले एवं झारखंड के गिरिडीह देवघर जिले में भी कई नक्सलकांड दर्ज हैं। सब जोनल कमांडर मतलुतुरी का पुलिस इनकाउंटर में मारा जाना जमुई जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस घटना के संदर्भ में FSL टीम के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, जिसे भागलपुर से तुरंत बुलाया गया था। मृत नक्सली का नाम व पता एवं अभी तक जो जब्त पदार्थ मिले हैं उसमें 5.56 इंसास राइफल, एक नग 5.56 इंसास राइफल, 4 लोडेड मैगजीन, प्रत्येक मैगजीन में 20 राउंड हैं, कुल 80 राउंड, एक इंसास राइफल लोडेड मैगजीन, मैगजीन में 7 राउंड 5.56 mm का, एक पाउच में 50 राउंड 5.56 का, कुल 147 राउंड, खाली खोखा 5.56 का 8 राउंड, खाली खोखा 7.62 का 6 राउंड, 2 बुलेट, एमुनिशन पाउच 1, 2 घड़ी, 5 मोबाइल, 1 पावर बैंक, 6 सिम कार्ड जिसमें 5 एयरटेल का एवं 1 आइडिया का, नक्सल रसीद 1 बंडल जिसमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लिखा हुआ है, छोटी डायरी जिसमें विभिन्न नंबरों की चर्चा की गई है, नक्सल गतिविधि से संबंधित दस्तावेज, नकद राशि 22,735, इसके अलावा कैंची, टॉर्च और पानी बोतल भी बरामद हुआ है। जो भी हम लोग पार्टी निकलती है तो कुल जो गोलियां रहती हैं उनको गिन के निकलते हैं। अभी वो अनुसंधान किया जा रहा है, टोटल जब मिल जाएगा तो उसको हम लोग FIR में पूरा मेंशन करते हुए आप लोगों को बता देंगे। इनकाउंटर में आपके जवानों को कहीं हताहत की सूचना तो नहीं? ऐसी अभी सूचना आपको, क्योंकि वो जो एरिया है वो पूरा आपको पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर दौड़ते भागते कुछ लोग गिर गए थे, उनका हम लोगों ने आपको जो यहाँ पर लोकल PHC वहाँ पर इलाज भी कराया, पर ऐसी कोई गंभीर चोट किसी को नहीं आई है। ये जो रसीद मिला है इसमें से कटा हुआ है 1,40,000, मैंने बहुत तरह के अमाउंट है, इसमें नाम भी होगा तो जो नाम है उस पर कार्रवाई होगी क्या? देखिए, जो आपको हमारे पास एक डायरी भी मिली है उस डायरी में कई नंबर हैं, कई छोटे छोटे कागज़ आप देख रहे होंगे इसमें भी नंबर्स हैं, तो इन सभी का मिलान कराया जाएगा। हम प्रयास में लग गए हैं, टेक्निकल सेल को लगा दिया गया है और हम मिलान कराएंगे कि अगर लेवी सिस्टम में ये सब अगर लोगों द्वारा किया जा रहा है उनको चिन्हित कर करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक लंबे अरसे के बाद पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, एक पहले भी थी, ये दूसरी घटना है जिसमें आपको सफलता मिली है, ऐसे कई कितने दस्ते हैं जो जमुई जिले में काम कर रहे हैं नक्सलियों का? देखिए, मुख्यतः आपको दो क्षेत्रों में जमुई में हो रहा है, एक आपको लखीसराय जमुई और जो मुंगेर के वो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे आपको जो अरविंद कोड़ा हो गया, बालेश्वर कोड़ा हो गया, उनका आपको मूवमेंट है, और जो इधर के हमारे गिद्धेश्वर वाले एरिया हो गया इसमें मतलुतुरी था, आपको पिंटू राणा, करुणाधी, इनका मूवमेंट था। तो मुख्यतः ये दो मूवमेंट है और बाकी भी आपको गिरिडीह और इनके तरफ से जो इनका टैक्टिकल ऑफेंसिव का प्लान चलता है उसके तहत भी ये लोग काम करते हैं। अभी निरंतर हमारे द्वारा और जो CAPF की टीम है जिसमें SSB 16 बटालियन हो गया, फिर आपको CRPF के बटालियंस हो गए और कोबरा बटालियंस हो गए, तो ये सभी लोगों ने मिलकर हम लोगों ने आपको ऑप्स प्लान निरंतर हम लोग करते रहते हैं, जो हमारे सीनियर पदाधिकारी उनके दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते रहते हैं, और इसी का नतीजा है कि आपको जो लोकल इंटेलिजेंस है उसके भी आपको सहयोग मिला और त्वरित कार्रवाई में आपको डिस्ट्रिक्ट पुलिस और जो आपको SSB की जो टीम है, जो SAT टीम है, इन्होंने आपको एकदम बेहतरीन काम किया,
ब्रेवरी का काम किया, जान पे अपना जोखिम डालते हुए लोगों ने एक बेहतरीन काम करते हुए एक बहुत ही हार्डकोर नक्सली को पहले तो आत्मसमर्पण करने के लिए उनको बोला गया, उसके बाद जो नतीजा आया जब रिटेलिटरी फायरिंग करना पड़ा तो उनमें इनकी मृत्यु गिलेंट्री अवार्ड की आप अनुशंसा करेंगे जो ये हम लोग जरूर करेंगे, बट पहले हम लोग पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद हमारे स्तर से और सीआईडी के स्तर से इसकी अनुशंसा की जाएगी। हौसले बुलंद हैं आपके जमुई पुलिस के, क्या लगता है जमुई जिला कब नक्सली मुक्त हो जाएगा? देखिए हौसले बुलंद रहने का महत्वपूर्ण कारण है कि सभी लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं, सीएपीएफ की सारे जो फोर्सेज हैं वो सभी लोग जो कमांडेंट हैं और जितने भी आपको यहाँ पे डीआईजी सीनियर्स हमारे बैठे हैं सभी लोग मिलकर हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम लोग निरंतर साथ मिलकर काम करते रहेंगे और जो नक्सल विरोधी घटनाएँ उनके विरुद्ध हम लोग आपको काम करते रहेंगे। बाकी और नक्सलियों के लिए क्या संदेश होगा पुलिस के लिए? देखिए संदेश तो यही है कि जो हम अभी कर रहे हैं यही एक संदेश बहुत बड़ा है और आगे भी हम लोग ऐसा काम करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हमेशा अपील करते हैं। जैसा आपने चोरमारा में देखा होगा वहाँ पे सीआरपीएफ का कैंप लगाया गया, वहाँ पे भी हम लोगों के द्वारा वहाँ पे गायें दी गई, वहाँ पे आपको जो उनसे लोकल जो दूध वहाँ से आ रहा है वो दूध सीआरपीएफ खुद ले रही है, वहाँ पे स्कूल भी आपको चालू किया गया है, बालेश्वर कोड़ा की जो आपको बहू है उसको वहाँ पे एज ए टीचर भी रखा गया, तो प्रयास हमारा निरंतर रहता है। अगर वो मुख्य धारा से जुड़ना चाहेंगे तो हम लोग सभी मिलकर सारे जो कमांडेंट्स हैं या एसपी हो गए ये लोग सब मिलकर हम लोग चाहते हैं कि वो लोग आपको जुड़ जाएं, लेकिन अगर जो हथियार के साथ अगर आपको आएगा और रिटेलिटरी फायरिंग करेगा तो विवश होकर हम लोगों को ये कार्रवाई करनी पड़ती है। कितने की संख्या में नक्सली लोग जमा थे जंगल में? अभी तो ऐसा पर्याप्त क्योंकि अंधेरा था काफ़ी, पर आपको 4-5 से ऊपर ही ये लोग होंगे। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर